नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल एग्रो ग्रीन वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं धान के झुलसा रोग को कैसे पहचान करें एवं रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करें तथा कौन कौन सी सावधानियां बरतें। ये रोग जीवाणु जनित रोग होता है। धान रोपाई के 15 दिन बाद से और धान के पकते समय तक देखा जा सकता है। इसके लक्षण पत्तियों में, बाली की ग्रीवा में तथा तने की निचली गांठों पर दिखाई देते हैं। शुरुआती अवस्था में निचली पत्तियों पर हल्के बैंगनी रंग के छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर आँख के समान बीच में चौड़े व किनारों में संकरे हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। इस रोग के कारण उपज आधी हो जाती है और किसान भाइयों की लागत भी वापस नहीं आती है। इस रोग के समय हमें ना खेतों में सिंचाई करनी चाहिए और ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। इस रोग के रोकथाम के लिए फंजीसाइड टेबुकोनाजोल 25.9% ईसी फॉर्म 250 ml प्रति एकड़ और 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 12 दिन के अंतराल में दो छिड़काव करने पर ये रोग पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाएगा। इस रोग के नियंत्रण होने पर हम सिंचाई और फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर करते रहिए।